पर्दे का पीछे का मतलब ये होता है कि जो सबको न दिखाई दे वो पर्दे का पीछे, मतलब जो चीज रिएक्ट, अब मान लो ये दुनिया को दिख रही है, ये ब्रेकआउट दिख रहा है, दिख रहा है ना, अब इससे पर्दे का ये तो फिर भी दिख रहा है, फिर भी वो पर्दे के पीछे आता है ना, जो नए दिखाई दे, इनविजिबल चीज काम करती है, ठीक है। विजिबल है वो डायरेक्ट काम कम करता है, विजिबल को तोड़ के इनविजिबल काम कर जाएगा, जहां फॉर्मों में लोग दूसरी साइड फंसते हैं। ये एक साइकोलॉजिकल मतलब इम्पेक्ट है इसका, अगर आप समझो तो। और सर इसको ट्रैपिंग एंगल से भी देखें तो एक नीचे वाला जोन को वो ट्रैप ही रहने देता है, तो पीछे वाला ही काम करता है फिर। वही काम करता है। देखो आप ये चीज को ना हमेशा इस तरह समझो कि जो लोग रिएक्ट कर रहे हैं ना, वो किसको रिएक्ट कर रहे हैं, बस जो लोग रिएक्ट, कैलकुलेशन ही तो है हर दोनों तरफ, ये कैलकुलेशन दिखाई दे रही है, वो कैलकुलेशन नहीं दिखाई दे रही, तो नहीं दिखाई दे रही वो बढ़िया रिएक्ट कर जाएगी, क्योंकि उसमें उसका फ्लो प्रेशर उनका मिलेगा नहीं, प्योर रह जाएगी वो, ये चीज रहती है। तो सर मार्केट ऊपर का हो गया है, अगर किसी को लेना है तो ले सकते हैं इधर। मार्केट ने परफेक्ट प्लेस से टर्निंग ली है, जो एक हम ब्रेकआउट देखते हैं ना बड़ी टाइम फ्रेम का, अब आप ये देखोगे बड़ी टाइम फ्रेम, 5 मिनट वाली टाइम फ्रेम पे भी आप इसको देख सकते हो कि ये रिटेलर ब्रेकआउट एरिया है। बोल सकते हैं रिटेलर क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा, ट्रेड काम कर गया बढ़िया से, अच्छी गिरती हुई फ्लेम को रोकने की हिम्मत किसने करी, इस पूरी फ्लेम को रोकने की हिम्मत इस वेव के ब्रेकआउट के बाद का, ये ब्रेकआउट में प्रोटेक्शन में काम आया अपना ये CSD, जो इस चार्ट स्ट्रक्चर को डिवाइड करते हुए। अब आप इसको कैसे यूज करते हो वो एक अलग बात है, कि हम इसको ऐसे यूज करते हैं, अभी ये रिटेस्ट आ रहा है, अब देखो अपना जो ये लेवल नहीं पार करे जब तक हम बाइंग नहीं करें, और यहाँ पे इम्पोर्टेंस है, यहाँ पे ये इम्पोर्टेंस है, बड़े टाइम फ्रेम की ये इम्पोर्टेंस है, ये दोनों इम्पोर्टेंस हैं, ठीक है। एक बार थोड़ा सावधान रहेंगे, बच के सही एरिया आ जाए, वैसे ये रिएक्शन इस चीज का ही हो रहा है, इसके नीचे की क्लोजिंग नहीं आई है, अभी रेंज वही बनी हुई है। ट्रेडिंग अच्छी हो गई है, जबरदस्ती की ट्रेड न करें, बस ये क्या टाइम हो गया, 12:48, 3 बजेगा, 3 से यहाँ तक ही रह जाएगी, इसको हम यहाँ तक खींच लेते हैं, ये वीक रेंज भी अपनी अच्छी काम करी है इस बार, वीक रेंज बनाने का अपना उद्देश्य सिर्फ ये था, एक दिन का चार्ट हम इंडिकेट जो कर रहा था ना, ये जोन इसी के एवज में मैं इस एरिया को लेके ही मैंने बनाई थी, इस एरिया के मिडल के एरिया को, ठीक है, नीचे वाला 15 मिनट को देखते हुए, वो वीक रेंज अच्छी काम करी है, लेवल्स भी अपने अच्छे काम किए हैं, ये लेवल्स भी अच्छे काम किए हैं, ये डिस्काउंट समझ के किसी ने लिया, थोड़ी इस सेलिंग शाब्बीर में जी गलत सर, पैसा कमाया होगा, शाब्बीर जी ले लेते हैं सर, लिया शाब्बीर जी? यहाँ के आसपास ऊपर लिया नहीं, उन्होंने। मैंने नहीं लिया, हाँ मैंने मैं वही अपने पहले वाले विंग्स में लिया था तो मैं निकल गया था उसमें। सर यहाँ पे लिया होगा, नहीं, बता दो यहाँ लिया है या इधर, वहां नहीं लिया, तो कौन से एरिया एक में, बड़े कैंडल के बाद लिया था। बाहर निकलने के बाद ये रिट्रेसमेंट, फिर मैं इधर निकल गया हूँ अभी। कोई नहीं सर, इतना पता है मुझे साबिर जी, कई लोग वो अपना प्रॉफिट में ही रहेंगे, वो नुकसान में नहीं रहेंगे, लेकिन उनके तरीके से आप मत करना अभी वो काफी मैच्योर है। ये एरिया पार होने देते हैं जो एक रिटेस्टिंग एरिया है, क्यों पार करने ही कर रहा हूँ, क्योंकि ये पजल करवा देगा ये प्रीमियम्स को, इसलिए कर रहा हूँ।
मार्केट थोड़ा रिट्रेस करके लेकिन ऊपर की तरफ ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मार्केट का मोमेंटम है ना चेंज हो गया है, लोगों को लग नहीं रहा है लेकिन हो गया है। नहीं ये चीज मैं भी आपको देखो मैं कह रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर अपने जाएगा। जो रीजन ट्रेड देखो इसमें ना, आप रीजन देखोगे तो मोस्टली रीजन वही है, यहाँ वाला रीजन जो मार्केट को स्ट्रेच कराएगा। और कहीं ना कहीं 12 साढ़े 12 1 बजे, एक कई बार आता है एक्सपायरी के दिन ऊपर का मोमेंटम 1 1.5 बजे आ जाए या थोड़ा बहुत बदल करके आ जाए। बस सावधान ये रहना है कि भाई आप कहीं ब्रेकआउट से पहले ही कहीं कर जाओ चीजों को डे सही। कैंडल सर कहीं हैमर ना बन जाए, मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं से कि क्या हाँ बन हैमर। सकती है, बन सकती है, ये ऊपर के ग्रीन कैंडल भी बन सकती है, ठीक है, पूरा पूरा रेंज कवर कर सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी टाइम बहुत है डे क्लोज होने में। देखो एक टीए होता है, एक स्विंग ट्रेड लेने वाले के लिए एसटीए होता है, तो ये एरियाज होते हैं ना, ये एसटीए जैसे एरिया होते हैं कन्वर्ट करते हैं तो, ठीक है, ये जो एरिया होते हैं एसटीए वाले एरिया होते हैं, ये जो एरिया हैं, ये जो एरिया हैं जो हमने इसके बेसिस पे बनाए थे ना, ये एरिया आप समझ रहे हो, ये इसका फिबो प्लेस है, ठीक है, ये एसटीए वाले एरिया होते हैं। यहाँ से उठाई हुई ट्रेड, जब एसटीए वाले एरिया को आप ट्रेड करते हो ना, याद रखो उस ट्रेड में दो ट्रेड करते हो पेयर में, तो वहाँ 3 पेयर कर लो, तीसरा पेयर जाने दो। एसटीए हमेशा तो नहीं होते, वो मेन इंपॉर्टेंट से एरिया पे ही होंगे, जैसे इसका स्विंग का डिस्काउंट देखा आपने, ये ट्रेड ले गए एसटीए वाले ट्रेड कर सकते हो। व्यू मेरा अभी पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हुआ, चीजें बदलेंगी, लेकिन यहाँ से पजल आएगी। जैसे कि मैंने आपको काफी देर से कह रहा था कि मार्केट की इस फ्लो पे हम बाइंग करेंगे, ठीक है, याद होगी मैं सारी सेलिंग के बाद में मैंने इस फ्लो पे बाइंग करने की कही है आपको, और ये वाले फ्लो पे, और यहाँ पे अपने रीजन्स भी बनाए गए हैं, जिसने यहाँ को इसको स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करने के बाद ज्यादा कुछ किया थोड़ी है, अगर हम कहें 5 मिनट की कैंडल के ऊपर अपने लेवल को ब्रेक करने के बाद में, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में पहली बार कैंडल ने यहाँ से इसको ब्रेक किया है, ब्रेक करने के बाद में काफी ऊपर उठा, फिर आया, फिर उठा, बेशक यहाँ वालों को यहाँ प्रीमियम तो खा जाता है, तो कुछ आप निकाल के रखोगे तो वापिस से ऐड कर लोगे, चलते रहोगे। और एसटीए ट्रेड है तो फिर वो चलेगी चलेगी एक पेयर तो, और नहीं जाएगी तो वो कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएगी, आपका क्या लेगी, या प्राइस एक्शन के बेसिस पे उसको काट लो। सर ये एसटीए ट्रेड क्या होता है, एक बार फिर से समझिए। सर एसटीए ट्रेड कुछ नहीं होता है, वैसे हम अगर देखते हैं इंट्राडे ट्रेड, तो इंट्राडे में जो अपने ट्रेडर्स होते हैं उसको हम टीए बोलते हैं, ट्रेडिंग एरिया, आप शॉर्ट देख के आए हो आपको पता ही है ट्रेडिंग एरिया क्या हाँ होता है, और अगर हम कोई स्विंग ट्रेड बनाएंगे तो उसको हम एसटीए बोल देते हैं, ठीक है, स्विंग ट्रेड ओके मतलब ओके कि ओके हाँ कुछ दिन के लिए, और वो टीए ही है, वो कन्वर्ट हो गया स्विंग टीए बनती है, बट इसमें हम पेयर उठाते हैं, दो भाग में काटते हैं, उसमें 3 भाग में काटते हैं, दो भाग हमारे इंट्राडे के लिए और एक भाग हमारा स्विंग के लिए रहता है, समझ रहे हो आप मेरी बात, वो नॉर्मल ट्रेड को ही हम स्विंग हाँ कन्वर्ट हाँ करते हैं, जिसमें एक हाँ हिस्सा को ऐसा नॉर्मल टीए के जैसा ही रखा जाएगा, लेकिन ट्रेड को बड़ा ट्रेड किया जाता है, वो संभावनाएं होती हैं और वो प्राइस एक्शन गलत नहीं होती, वो सही है, ठीक है। अभी देखो इस एरिया पे मैं बाइंग सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये एरिया पे आपको वो भी बाइंग सजेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन वेट करो, साबिर भी आपको यहाँ बाइंग सजेस्ट नहीं करेंगे, मैं यही कहूंगा कि वो भी आपको इस रेंज को मच्योर होने के बाद या इस एरिया को निकल जाने दो, उसके बाद में आपको मौके मिलेंगे तो आप बाइंग कर लेना, अभी करके आप छोटे मोटे नुकसान ले लो, परेशान वो दो चार नुकसान खाओ, क्या फायदा, आपको ही पता ये पजल वाला एरिया है, पजल वाला एरिया होने के पीछे हाथ इस कैंडल का है, क्योंकि तो ये बहुत अग्रेशन वाली कैंडल है, ठीक है, और उसके बाद ये नहीं कि डायरेक्ट इसने कैरी किया, इसने रुक लिया है, 3 कैंडल 4 कैंडल रुक गया ना, ये ऊपर जा सकता है काफी। क्या कहते हो शाबिर जी? हाँ अभी तो मुझे इसका मोमेंटम चेंज हो गया है। वी शेप रिकवरी ना दे दो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। हंसी आ रहा है, क्यों हंसी आ रहा है पता क्या? क्योंकि जितने भी अभी सेलर्स है ना, इधर ट्रैप हो गए बहुत बुरी तरीके से। जो लास्ट में अभी आए हैं ना सेल करने के लिए, जी हाँ, जो ये नीचे जब आ रहा था, ए शेप आ रहा था, उसमें बहुत ज्यादा एग्रेसिव कूदे होंगे लोग।
ब्रेक डाउन पे जो एक लेवल हाँ था ना उसके ऊपर जहाँ पे इन्होंने बॉक्स बना रखा है, ये एक ब्रेक डाउन एरिया था जहाँ पे रिटेलर फंस जाते हैं। तो अभी पता है क्या है, जहाँ पे भी मौका मिले ना बाइंग कर लो, अभी छोटे छोटे स्टॉक्स में बाइंग करना। कौन से कहना आकाश, यहाँ पे कॉल लेने का क्या रीजन है आकाश? देखो, साइकोलॉजी वाइज देखो तो मार्केट ने आपको ट्रैपिंग कहाँ दिख रही है और सस्टेनिंग कहाँ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग लेवल देखो। एक नीचे गिरावट आई थी, उसके बाद वी शेप रिकवरी की, और फिर एक ट्रैप के एंगल से पीछे के पड़े का प्राइस यूज करके बहुत क्लाइमेक्स से ऊपर आके सस्टेनिंग कर रहा है। उसको उसको एक स्पेस क्रिएट करके नीचे गिरा के, एक वो जो स्लांट ब्रेक करके और पीछे का जो सर ने जोन का लेवल लगा रखा उसको, मतलब मल्टीपल प्राइस एक्शन कंफर्मेशन कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब जरूरी नहीं है ये ऊपर ले जाए, लेकिन अगर ये पीओसी बॉक्स में रहेगा, इसी रेंज में रहेगा, तो एक ऊपर का जो अगर हम एक देखते हैं पीओसी बॉक्स में भी ऊपर नीचे जाता, तो एक कम से कम अपर लेवल तक तो इसने अचीव कर ही लिया ना। अगर आप 35-30-35 वाला भी कर लेते हो तो शायद 10-15 पॉइंट तो वहीं पे दे दिए होंगे शायद अभी, क्योंकि मैं अभी सिर्फ फोन से ही देख रहा हूँ मार्केटों में, फोन से ही देख रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा सा घर में, मेरी भी पूजा चल रही है तो मैं एक्सेस नहीं ले कर पा रहा हूँ लैपटॉप को, तो जो भी मतलब ऑलमोस्ट 70 70 पॉइंट्स का अप गया है, मतलब स्पॉट पे ऐसा है। अगर मतलब एटीएम का लिया होगा तो 30 35 तो मिल जाएंगे पॉइंट्स। वाले डबल होने के चांस ज्यादा होते हैं। हाँ, मतलब अभी कैसे कि एक्सपायरी है और गामा प्ले भी आता है यहाँ पे। हाँ मतलब 30-40 वाला इजीली आपको 50 तक रिलीज कर देगा, मतलब 50-60% आपके प्रीमियम का इजीली दे देगा। अब मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं जिस चार्ट को मैं खोल के बैठा था, हाँ वो देखो 33 से का लो मारा और 52 तक गया अभी, तो 10 पॉइंट भी मतलब हो सकते थे कैप्चर। और यहाँ पे सिर्फ 5 मिनट की कैंडल को रीड करोगे तो क्या दिख रहा है, एक नीचे रिट्रेस लो लो बना रहा था, फिर जैसे मैं हम बात कर रहे थे एक स्टेप्स देख रहे थे, डिप्लीट हो रही थी पावर, फिर ऊपर की तरफ चेजिंग की और शार्पली गिरा दिया ए शेप। हम भी देख रहे थे वहां से कि ए शेप गिरना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर उठावट भी जितनी फास्ट थी उससे डबल फास्ट उठावट हुई है, और फिर उस लेवल को ब्रेक करके जहां से गिरना शुरू हुआ था दोबारा उसी के अपर लेवल पे एक सस्टेनिंग कर रहा है। सस्टेनिंग कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, एक पीओसी अभी तो एक पीओसी बॉक्स टाइप बना दिया इसने, लेकिन एक स्पेस क्रिएट करके नीचे आया और उसी लेवल पे एक हैमर कैंडल दिखाई, तो ये इंडिकेट ही कर रहा है ना यहाँ पे। और सीएसडी लगाओगे और वो काफी चीजें वहां पे सपोर्टिव है, तो एक स्कैल्पिंग तो बनती है ना ऊपर तक के लेवल की, एक पीओसी बॉक्स के लेवल की, अपर लेवल की, वही क्यों है। हाँ, मतलब नीचे से ऊपर तक की स्कैल्पिंग हाँ मतलब जो फर्स्ट ट्रेड पीओसी बॉक्स निकलती है में। अपनी, एक फर्स्ट ट्रेड जहां निकलती है वहां तक। देखो प्लेटफॉर्म पे हाँ डायरेक्ट सही है। पूछता ही हमें क्यों रुकना चाहिए, इस वजह से रुकना चाहिए। क्या बायर ने पैसे कमाए, क्या सेलर, बायर यहाँ एंट्री करता है सेलर यहाँ एंट्री करता है, हो गया ना हाई एक्सपेक्टेड, दोनों को दोनों साइड से चोट देने वाला। और काफी पजल कर लिया इसने, ये भी बड़ी कैंडल उठी है जिसका रिट्रेसमेंट कर रहा है। कितनी बार ट्रेप हुआ, यहाँ से एक बार ट्रेप हुआ, ऐसे भी एक बार ट्रेप हुआ, यहाँ से भी एक बार ट्रेप हुआ, यहाँ से ऐसे भी ट्रेप हुआ, उसके बाद में आया इस लेवल को ट्रेप नहीं किया, पेंडिंग रखा, दोनों साइड के जोर ले रखे हैं, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर रहा ऊपर जाने की कंडीशन में। 5 मिनट और देखते हैं, 5 मिनट के 15 मिनट देखते हैं, 15 मिनट की देखो, मैं कहता हूँ ना एक लेवल पे पूछ के ऐसे मार्केट पजल कर देता है। एक कैंडल ठहर गया, ठीक है अभी टाइम क्या होगा, 13 17 13 15 ही कैंडल टाइम स्विच हुई है, ये 13 15 ही कैंडल, ठीक है कहाँ भाग रहा है रे, ये 13 15 सर की दिखा। इसको अगर पीओसी बॉक्स का डिवाइडर बनाए तो जस्ट यहीं पे आएगा अभी। ठीक है, आप कंटिन्यू कर रहे थे ना, तो जो हाँ सर, एनालाइज वो बता मैं बस रहे हैं वो सही है, चार्ट वो रीड कर रहा था बस। चार्ट रीड कर रहे हो ना। एक जी मिनट, सर, 5 मिनट से कुछ सीवर्टी थोड़ी बनी अभी तक, कुछ भी नहीं बना।
नहीं, है वो एक यही बात कर लेवल, रहे थे कि एक स्पेस बनाया है और वो जो आपने लेवल दे रखा था उसी लेवल से। अब ये पर्दे के पीछे वाला ही प्राइज है, और ये दो तरह के प्राइज आ गए अटैचमेंट में, एक ये वाला आ गया और एक ये वाला। और जब हम बाहर निकले थे इस एरिया से तो हम क्या चर्चा कर रहे थे याद है आपको? जब हम चर्चा कर रहे थे ये फास्ट एरिया की, ये फास्ट एरिया की, यहाँ की सस्टेनिंग की, याद है? इस वजह से हम सेलिंग ही देख रहे थे। कवर जोन की दौड़ वो टॉप से आ रही है, नीचे के पड़ाव उसमें यही पड़ाव इम्पोर्टेंट है, वेट ही करेंगे, वेट ही करेंगे। देखो हमारा बाइंग एरिया होता है वो नीचे की फॉर्म में ही होता है। अगर इसी फ्लो को हम पकड़ते, पीछे के फ्लो को छोड़ो, पहली ट्रेप से इस ट्रेप का गैप लेते हैं। सर ये बहुत जरूरी चीज है कि कौन से एरिया ट्रेड करना कौन से में नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम फाइट करते हैं मोस्टली, दिखता है ब्रेकआउट दिखता है तो। इसीलिए तो इस एरिया को हम हाई एक्सपेक्टेड बोलते हैं, सावधान रहना बहुत जरूरी, क्योंकि मोस्टली यहाँ तक हमें है ना भड़का के छोड़ देता है मार्केट, देता किसी को कुछ नहीं है, भड़का के छोड़ देता कि लो अब मैं देने आ रहा हूँ मैं, और वहां पे हम इतना फाइट कर लेते हैं, फिर उसके बाद में न लेने लायक रहते हैं न कुछ सोचने लायक रहते हैं। और ले भी लेते हैं अच्छी वाली चीज़ तो अच्छी वाली अच्छी चीज़ हम उसको संभालने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि नुकसान दिखेगा, नुकसान को ही कवर कर पाओगे मुश्किल से। ये बहुत जगह, इसीलिए तो हम कह रहे थे इस एरिया में रुको, हमें इसके ऊपर को क्लोज होने दो। यहाँ से सेल कर सकते हैं सर? सेल कर सकते हो, डायरेक्टली ट्रेड मत पूछा करो, समझ पैदा करो, क्योंकि मेरे को इम्पैक्ट मेरा मतलब था कि नीचे की साइड। हाँ वो नहीं ठीक पूछा है, मैंने, मैंने नीचे की साइड देख सकते। नाइन 80% आउट है। देखो सेलिंग हम यहाँ से समझ रहे थे, यहाँ के बाद में आया है, इसलिए मैं करूँ डायरेक्टली मत पूछो, इससे आपका बहुत नुकसान होता है। अभी हम इसको सेलिंग का नहीं समझ रहे हैं, जो आ रही है रिदम को एक बार कनेक्ट करेंगे कि कहाँ इसका अग्रेशन ओवर होएगा, कनेक्टिविटी बिठाते हैं। ठीक है, यहाँ से एक कनेक्टिविटी है, अब यहाँ के आसपास माहौल देखेंगे, ये अच्छी ट्रेप होएगी। 5 मिनट 15 मिनट की कैंडल, ये 5 मिनट की कैंडल है जो कि 2 मिनट बाद ओवर हो रही है, ये 15 मिनट की कैंडल है जो कि करीबन अभी टाइम बढ़ा है इसका भी 45 पे होगी, काफ़ी टाइम पड़ा है अभी इसका, काफ़ी टाइम पड़ा है। डायरेक्टली व्यू बताने में ना एक टीए के अंदर की जो गलतियां होती हैं वो ज़्यादा संभावना होती है। आप कहाँ अटेंड करोगे? मैं अटेंड करूंगा, मैं छोटे में निकल जाऊंगा ऐसे लेके, आप फंस जाओगे। इस जगह ऐसे सेल भी था, वही तो है सर, मार्केट हमारी सोच से उल्टा करता है ना ज्यादातर, मैक्सिमम उल्टा सर आप करते हो, मार्केट नहीं करता, यहाँ बाय करके आप कौन उल्टा करेगा? मैं यहाँ पे बोला भी था, यहाँ अटेंड कितने जल्दी जल्दी कर रहा है नीचे के एरिया में, ऊपर के एरिया को एक बढ़िया सा धक्का लगा सकता है प्राइस वाइज, बस उसी की उम्मीद थी। हाँ ये तो एकदम तो स्क्वीज कर दिया यहाँ पर, अब नॉर्मल भी है, टाइम भी काम लिया सर। यहाँ से हम डाउन का सिनेरियो देखेंगे? नहीं सर नहीं देखेंगे, बिल्कुल नहीं देखेंगे, बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ये भी नीचे मत मानना। अभी कर रहा है ना ये खुरापात कर रहा है, देखो चाल कितनी धीमी है, ये इनगल्फिंग बनाने की चाल कितनी धीमी है, 245 47 सेकंड हो गए। यहाँ पे एक क्यूआरटी मुझे यहाँ दिख रही है छोटी सी, आउट करी है उसका 2 मिनट के बाद है, 5 मिनट पे उसकी क्लोजिंग आ रही है, यहाँ के आसपास स्ट्रेच वन या स्ट्रेच आउट होने की जगह है, तो ऊपर का हम थोड़ा सा सोच सकते हैं। और ये एरिया भी बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट कर रहा है, अगर नीचे तोड़ेगा बहुत ज़बरदस्त तोड़ेगा, लेकिन नीचे तो दुनिया बैठी है और ऐसा माहौल है नहीं, तो मैं बाइंग के लिए एक दो बज गए हैं।
दो बज गए हैं, ये फ्लेम ब्रेकआउट सक्सेस भी हो सकता है, ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड में सक्सेस भी हो सकता है, लेकिन मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, अभी मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है, मेरा हो चुका है मामला आज का। चेंज हो गया 10-14-10 की कैंडल, यानी 5 मिनट की कैंडल चेंज हुई है। यहाँ पे 5 मिनट की कैंडल ने यहाँ पे आपको एक रिजेक्शन दिखाया इस लेवल के आसपास, बहुत अच्छी बात है बाइंग के लिए, तो अच्छी बात है ये। यहाँ पे क्वालिटी जैसा बना, इसने ब्रेक भी किया, देखो बाई होती है तो इसी एसएल के साथ में बाई हो जाती है। बैंक निफ्टी पहले भाग रहा है, ये मैं ब्रेकआउट पहले ही बता चुका था कि ये सक्सेस हो सकता है, बट मैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जिसकी ट्रेड है वो अपने मजे ले, धीरे धीरे ट्रेलिंग, क्योंकि देखो जिसने भी ट्रेड ली अभी तक क्लोजिंग नहीं दी है, मेरे हिसाब से तो क्लोजिंग नहीं दी है, चल रहा है। जिसने भी ट्रेड ले ली है उसको क्लोजिंग नहीं दी और प्रीमियम अच्छा दे रहा है, तो कैंडल टू कैंडल भी आप वेरी कर जाओगे तो बढ़िया बात है।